सो अब हम चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। तो हमारा पहला स्टेप होगा कि हम लारावल इनर्शिया व्यू वगैरह की इंस्टॉलेशन कर लें अपने पास। तो मैं नया प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करूँगा ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखें कि इंस्टॉलेशन कैसे चलती है, फिर हम उसके ऑनवर्ड जो है ना उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने की तरफ। अच्छा जी, मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ। तो मैं मूव कर जाता हूँ अपनी डिफरेंट डायरेक्टरी की तरफ। सी मैं नई डायरेक्टरी बना लेता हूँ के DIR, और डायरेक्टरी एजुकेशन, ठीक है, सी एजुकेशन, ठीक है। इसमें मैं बनाता हूँ लाइक फर्स्ट या प्रोजेक्ट्स के नाम से बना लेते हैं MKDIR प्रोजेक्ट्स। ऑब्वियसली आप ये सारी चीज़ें डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो मुझे सब जो चाहिए यहाँ पे मुझे कमांड्स का कुछ का पता है, तो मैं वो यूज़ करते हुए राइट अवे बना रहा हूँ। अच्छा जी, नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावल स्लैश लारावल, और उसका नाम दे देंगे हम। फॉर एग्जांपल स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम SMC SMS, ठीक है। और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। अगर आपने कमांड्स यहाँ से कॉपी करनी है, ये आप देख सकते हैं राइट अवे आप लारावल की डॉक्यूमेंटेशन में से निकाल लें कमांड्स, और आप राइट अवे यूज़ कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। तो मैंने अभी उसको बनाने के लिए दे दिया है। हम इसके अंदर लारावल की स्टार्टर किट एक इंस्टॉल करेंगे। स्टार्टर किट, ठीक है, ओके। इससे हमें फायदा क्या होगा, हमारे पास कुछ चीज़ें बनी बनाई हमारे पास रेडी फॉर दिस यूज़ हम मिल जाएंगी। तो मैं इसलिए इसमें क्या कर रहा हूँ, लारावल की स्टार्टर किट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आ गया यहाँ पे और वेटिंग फॉर द इंस्टॉलेशन, थोड़ा टाइम लेता है ऑब्वियसली इंस्टॉलेशन पे, यू विल हैव टू बेयर फॉर दैट। तो वंस इट इज इंस्टॉल्ड वी विल मूव ऑन फ्रॉम देयर। इससे बेसिकली इंस्टॉलेशन हो जाती हैं, सेटअप हो जाता है, फिर हम उसके बाद इसकी बिगिनिंग करेंगे। अच्छा, इनर्शिया और को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है हमें लारावल व्यू के साथ। इनर्शिया बेसिकली इनर्शिया JS जो है एक काइंड ऑफ अ पैकेज आप कह लें, या हमें फैसिलिटेट करता है मॉडर्न वे में SPA सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए। इसका सबसे बड़ा यूज़ जो अभी तक मैंने देखा है, जितना मुझे अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है, गुड भी के इससे ज़्यादा भी चीज़ें हो सकें इसमें जो मैंने भी अभी एक्सप्लोर ना की होंगी। अगर मैं करूँगा तो ऑब्वियसली मैं वो भी शेयर करूँगा आपके साथ। तो इसका बेसिक यूज़ या बेसिक फ़ायदा क्या है हमें, कि हम जब भी लारावल या व्यू रिएक्ट या एंगुलर जिसके साथ भी एप्लीकेशन बना रहे हो, और आई मीन बीइंग अ रीजन के इनर्शिया JS इज़ नॉट जस्ट फॉर व्यू JS, इट्स ऑल्सो वर्क्स विद रिएक्ट और एंगुलर, इन तीनों के साथ ये काम करता है, फैसिलिटेट करता है हमें। तो इसका जो यूजेज है, यूजेज इसका ये इस तरीके से है कि अगर हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, हम क्या करते हैं लारावल के अंदर राउट्स क्रिएट करते हैं। अब व्यू के अंदर अब कोई पेज बना रहे हैं या कंपोनेंट जो भी बना रहे हैं हम, अब ABC.view या index.view फॉर एग्जांपल। अब मैंने कोई डाटा, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स गेट कर, यूज़र का डाटा मैंने गेट करना है यूज़र्स के टेबल में से, तो मैं नॉर्मल वे में लारावल में क्या करता हूँ, लारावल का एक राउट बनाता हूँ, API कॉल करता हूँ। अब API कॉल मैंने भेजनी होती है AJAX हिट के थ्रू या कोई XGS जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल AJAX हिट के थ्रू मैं एक API कॉल भेजता हूँ और वो डाटा गेट करके मैं व्यू के अंदर पॉपुलेट करवाता हूँ। तो वो मैंने जो पॉपुलेट करवाने के लिए एक AJAX हिट बनाई है अपने पास index.view में, जो यूज़र्स को गैदर कर रही है। वो AJAX हिट बनाने का जो भी कोड है मुझे वो नहीं करना पड़ा।
अब जब वो मुझे नहीं करना पड़ा, इट मीन्स कि वहाँ पे मैंने यूज़ की हुई है इनर्शिया। इनर्शिया ने इनर्शिया बेसिकली हमारे पास बहुत सर्वर साइड और क्लाइंट साइड पे इंस्टॉल होती है, और जब वो इंस्टॉलेशन हो जाती है तो इनर्शिया बेसिकली खुद ब खुद ये वाला प्रोसीजर कर देती है, जिसमें हमें कोई हिट भेज के कोई डाटा पॉपुलेट कराना है या कुछ भी क्रड चलाना है, वो सारा का सारा काम इनर्शिया इटसेल्फ कर लेती है। तो हमें अपने एंड से कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी पड़ती, लाइक एजेक्स हिट्स कॉल्स नहीं भेजनी पड़ती स्टेप बाय स्टेप किसी भी काम के लिए, वो सारा का सारा काम इनर्शिया हमारा हैंडल कर देता है, और इस तरह से हमारा कोड भी सेव हो जाता है। मजीद लेसर कोड यूज हम कर रहे होते हैं, और ऑब्वियसली ये हमारा टाइम भी स्टोर सेव करता है, प्लस ये हमारी SPA सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में हमारा काम कर देता है। तो ये हमें फ़ायदा होता है इनर्शिया JS को यूज़ करने का। तो शायद इतना पॉपुलर है या नहीं मुझे श्योर नहीं है, बट बिकॉज मैंने इसको यूज़ किया है तो मैंने सोचा कि मैं इसका यूजेज आप लोगों से शेयर करूँ। तो ये इसका बेसिक पर्पज़ है इनर्शिया JS को यूज़ करने का। अच्छा जी, लारावल बेसिक्स के जो है वो बेसिक लारावल इंस्टॉलेशन थी वो क्रिएट हो गया प्रोजेक्ट, मैं अब उस पर जाता हूँ SMS में। ठीक है, DIR मेरे पास आ गया, क्लियर। अच्छा जी, अब मैं इसमें करना चाह रहा हूँ लारावल की स्टार्टर किट इंस्टॉल, जो मुझे लॉगिन वगैरह रजिस्ट्रेशन वगैरह बना के दे देगी। तो बहरहाल अगर मुझे कोई चीज़ आगे फर्दर करनी है तो मैं अपने मुताबिक उसको हैंडल कर लूँगा। तो अभी मैं कर रहा हूँ लारावल प्लीज इंस्टॉल। ओके, तो स्टार्टर किट का मकसद ये होता है कि या तो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूँ कोई भी काम, और खुद ही अपने लॉगिन्स एंड एवरीथिंग ऑल द पेजेस मैं बनाऊँ स्टेप बाय स्टेप, या फिर मैं स्टार्टर किट यूज़ करके तो उसी को बेस बना के तो यूज़ करता जाऊँ, यूटिलाइज कर लूँ। ठीक है, ये दोनों तरीके कार होते हैं हमारे पास। तो अभी के लिए मैं जो है स्टार्टर किट यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके जो स्टेप्स हैं वो ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं, और मैं यही स्टेप्स लेके इंस्टॉलेशन उसकी कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसके अंदर हमें करना है व्यू विद इनर्शिया, तो मैं व्यू लिखूंगा। इसमें लिखना है इनर्शिया टाइप स्क्रिप्ट डार्क मोड नन, आई थिंक नन, और इसमें मैंने 0 कर देता हूँ। ओके, लेट्स वेट, अपनी इंस्टॉलेशन कर ले। अब बेसिकली इस स्टेप ने क्या किया है, व्यू विद इनर्शिया जो मैंने सेलेक्ट किया है, इसने व्यू विद इनर्शिया इनर्शिया जी इसको यूज़ करते हुए व्यू इंस्टॉल कर देना है मेरे पास। लेकिन फिर भी मैं डबल चेक करने के लिए क्या करूँगा, इनर्शिया जी इसकी साइट से जाके सर्वर और क्लाइंट साइड दोनों एंड्स पे इंस्टॉलेशन चेक कर लूँगा, डबल चेक कर लूँगा, इफ़ नीडेड तो मैं वो कर लूँगा। ठीक है, मैंने अभी DBB बनाई नहीं है, वो भी मैं बना लेता हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ SQL योक डेटाबेस बनाने के लिए। ठीक है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, PHP MyAdmin यूज़ कर सकते हैं, और वर्क बेंच एवरीथिंग ऑल दोस दैट यू हैव, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ जी लाराकॉन। आप XAMPP कर लें, आप डॉकर्स कर लें, जो भी करना चाहें आप कर लें। मैं विंडोज़ पे हूँ, मैंने लाराकॉन इंस्टॉल किया हुआ है, मैं इसकी सर्विसेज को स्टार्ट कर देता हूँ, और सॉरी SQL यो बैक और इसको बंद करते हैं पहले, किधर गया। अच्छा जी, मेरे पास लाराकॉन रन हो रहा है, मैं SQL यो ओपन करता हूँ दोबारा से। अच्छा जी, लोकल होस्ट पे मैंने इसकी सेटिंग की हुई है, मैं इसको चला देता हूँ। ओके, ये रन हो जाएगा, मेरी इंस्टॉलेशंस हो जाती हैं। अच्छा, ये कुछ स्टेप्स समटाइम्स किसी को नहीं पता चलता तो वो चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो वो समटाइम्स अगर इश्यू आते हैं तो वो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन आउट भी कर सकते हैं। नो इश्यूज, आई ट्राई टू आंसर देम पॉसिबल। ओके, मेरे पास यहाँ पे लोकल में एरर आ रहा है ना कि ओके, ये लोकल होस्ट एड्रेस तो कुछ भी नहीं है, लोकल यहाँ के एरर दे रहा है मुझे। अच्छा, ये मैंने कुछ सेटिंग्स की हुई थी अपने पास दूसरे सर्वर की, मेरा हाल मैंने वो
रिमूव नहीं की थी, जिसकी वजह से मुझे ये इशू आ रहा है। बहरहाल मैं इसको एडिट कर देता हूँ, लोकल होस्ट रूट नो पासवर्ड, डबल चेक कर लेते हैं कनेक्टेड, तो इसको यूज कर लेते हैं। ओके सो ये मेरी डेटाबेस हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर। क्या चक्कर है, किन कह रहा हूँ, क्रिएट न्यू डेटाबेस। ओके यहाँ पे एसएमएस में इसको लिखता हूँ _db नाम, ठीक है, इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब मैंने जाना है अपने पास अपने इंस्टॉलेशन में, देखता हूँ ओके और क्या चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है, लेट मी गो देयर। अच्छा माइग्रेशन चला, बिफोर रनिंग माइग्रेशन मैं जाता हूँ अपना VS का प्रोजेक्ट ओपन कर, VS Code एज ID यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपने एंड से जिसमें आपको फिजेबल लगे काम करना। मेरे पास एक कोई रनिंग प्रोजेक्ट था, पहले मैं उसको करता हूँ क्लोज, क्लोज फोल्डर, अच्छा जी अब मैं यहाँ पे करता हूँ ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर करके मैं चाहता हूँ अपनी डी ड्राइव में, और मैंने यहाँ पे एजुकेशन प्रोजेक्ट्स SMS सेलेक्ट। अच्छा आपको आई थिंक विंडोज़ मेरी ठीक से नज़र ना आ रही होगी क्योंकि मैंने कुछ उसके स्क्रीन रेजोल्यूशन को लिमिट किया हुआ है, फॉर द रिकॉर्डिंग पर्पसेस मैं एडजस्ट कर लेता हूँ सो दैट यू गाइस कैन सी माय होल स्क्रीन दिस वे। अच्छा जी ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, ये वो प्रोजेक्ट है जो हमने बनाया, तो इसने अपनी बेसिक्स जो है यहाँ पे हमारे पास सेटअप कर दी हैं। मैं यहाँ पे डेटाबेस में सेट करता हूँ इसमें सेट करता हूँ SMS_db राइट, तो इसको सेव कर लेता हूँ। अब मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास ENV में मैंने डेटाबेस की कनेक्टिविटी को बता दिया। अच्छा जी मैं जाता हूँ वापस स्टार्टर किट में, इसकी माइग्रेशन चलानी है, तो मैं वापस टर्मिनल ओपन करता हूँ और इसमें इसको पेस्ट करता हूँ। ये माइग्रेशन चलाएगा मेरे पास उस डेटाबेस के अंदर राइट, जो टेबल्स उसको मिले थे उसने वो जनरेट कर दिए, और अगर मैं इन टेबल्स में भी देखना चाहूँ तो यू कैन सी देयर आर कपल ऑफ टेबल्स अवेलेबल हियर। ओके सो नेक्स्ट स्टेप इज NPM इंस्टॉल, NPM इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे, नोड इंस्टॉल्ड है मेरे पास ऑलरेडी, ठीक है NPM मैं इंस्टॉल करूँगा अपने प्रोजेक्ट में और उसको रन डेव कर। ये मुझे करने की ज़रूरत इसलिए है ताकि क्योंकि व्यू का प्रोजेक्ट है तो इसने बिल्ड करना है, इसको बार बार जब भी मैं कोई फ्रंट एंड पे चेंज करूँगा वो बिल्ड होगी तो मुझे नज़र आएगी, अदरवाइज वो मुझे शो नहीं करेगा। CD एजुकेशन प्रोजेक्ट SMS ओके PHP आर्टिसन सर्व ओके, इसको मैं सर्व करता हूँ और सर्व हो गया लोकल होस्ट 800 8000 हिट एंटर। अच्छा जी इट्स गोना रन,
लारावेल इज हियर नाउ। सो ये है एक बेसिक इंस्टॉलेशन, अभी मैं इनर्शिया जेएस की तरफ किया नहीं डबल चेक करने के लिए। दो मैं पहले ये चीज़ दिखा दूँ, लेट्स कंटिन्यू बैक। ओके सो हियर वी गो, ये हमारे पास आ गया इसका प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मैं डबल चेक करने के लिए ये करता हूँ कि मैं देख लूँ व्यू dev tool for chrome, चलिए Vue.js dev tool देखना है, मैं डबल चेक करना, मेरे पास होना तो चाहिए सुगन, जस्ट नीड टू डबल चेक क्योंकि कुछ चल नहीं रहा अभी। तो आई थिंक इसकी सेटिंग्स होंगी, मुझे रीसेट करनी होगी। डबल चेक प्रेफरेंस रिस्टोर डिफॉल्ट, तो अब इसने व्यू भी मुझे दिखा दिया। ठीक है, अब आप अगर इसमें देखें, आसान हो रही है, सो टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे इनर्शिया आ रहा है आपको लिखा हुआ, ये नीचे मेरे पास इनर्शिया, इट मींस कि मेरे पास इनर्शिया की इंस्टॉलेशन साथ ही हो गई है। तो ये मेरा लॉगिन है और साथ उसकी रजिस्ट्रेशन था, फॉरगॉट। अब ये हुआ क्या, बेसिकली इसने मुझे ऑप्शनली, मैंने स्टार्टअप किट इंस्टॉल की जिसने मुझे एक बेस बना के दे दी विच आई विल बी यूजिंग फॉर माय नेक्स्ट स्टेप। तो साथ इसने इनर्शिया इंस्टॉलेशन भी कर दी है जो इसकी सेटिंग्स इसको चाहिए होती हैं इनर्शिया जेएस की। बट आई विल कंटिन्यू बैक अगेन विद द सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड इंस्टॉलेशन दैट वी रिक्वायर नॉर्मली वाइल इंस्टॉलिंग द इनर्शिया को इंस्टॉल करते हुए जो हमें चाहिए होता है, तो वो भी मैं डबल चेक आपके साथ करवाऊंगा इसको। लेट्स गेट बैक सून, थैंक यू।